very happy owner I have over here, Nadeem Umer. Nadeem bhai, shuru mein jis tarah Quetta ne start kiya, lekin uske baad kal ke match se mujhe lag raha hai ki confidence bahut mila team ko. Bilkul aap sahi keh rahi hain. Actually हमारी टीम कॉम्बिनेशन ज़रा बन नहीं रहा था, बट आई थिंक वो जो फॉरेनर्स कुछ जैसे जोफ्रा आर्चर चले गए, एक और हमारे प्लेयर आए राशिद खान आए नहीं, तो वो ज़रा सा टीम में एक अभाम सा था. बट नाउ माशाल्लाह टीम इज स्टार्टेड जेलिंग अगेन जैसे पहले दो साल में किया, तो होपफुली दिस इज़ अ सेटल्ड टीम नाउ एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सम गुड गेम्स. हसन खान जो हैं बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, कल उन्होंने हमें दिखाया कि वो बैट के साथ क्या कर सकते हैं, बॉलिंग तो हमने उनकी देखी नहीं माशाल्लाह. अभी अभी विकेट लिए उसने. आई थिंक हसन जैसे प्लेयर, जैसे पीएसएल ने बहुत सारे प्लेयर्स दिए, तो मैं समझता हूँ हसन इज़ ऑल्सो फाइन फ्रॉम पीएसएल, दो ही वॉज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान. एंड आई थिंक जितना इनको हम डेवलप करेंगे ये बड़े प्रेशर मैचेस में खिला के, आई थिंक उतने ही इनकी जो वो विल होगी ना स्ट्रॉन्ग होगी. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया. पीएसएल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. Hats off to PCB and all the franchises. I think hum log sab players la rahe hain and it's good for Pakistan. Shane Watson is proving to be a good pick. Ji haan, wo pichli dafa Islamabad ne chhod diya tha, but I think unka role jo define hua hai. Okay, sorry, there's been a wicket. It's back to the commentary box. Oh, this is a procession of Karachi batsmen and it's Ravi Bapar is gone. It's looking desperate now for Karachi. Viv Richards, Quetta celebrating. Yeah, they are. It's all happening too easily at the moment for Quetta, breaking the back of the run chase. And it's been an imposing total of 180, obviously, but the wickets are falling. Batting not at its best at the moment. They need something pretty special. It's a duck, 33 for four. We were talking about Shane Watson and him being a really good pick for Quetta Gladiators. ये मुझे बताएं कि generally हम हमेशा बात करते हैं कि Quetta Gladiators की जो एक चीज नजर आती है कि they look like a team. कल Viv Richards की बर्थडे थी, कैसे सेलिब्रेट की? हाँ जी, वो बस आप देखें, दो दिन हम जरा डाउन थे और सर ने हम आप सबको आके आई थिंक जो पेपटॉक दिए दैट वाज अमेजिंग. मैं इसीलिए कहता हूँ सर विव जैसे वी पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स देम, कि वो आएँ और बच्चों को वो जो जितना उनका एक्सपीरियंस है प्लस वो जो फिगर है ना, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग. आप शेन वॉटसन की बात कर रही थी, आई थिंक उनका रोल डिफाइंड नहीं था. हम ये समझते हैं कि उनको एज एन ओपनर खेलना चाहिए बिकॉज ही इज़ गॉट ऑल द शॉट्स. तो मिडिल ऑर्डर में वो फेल हो रहे थे, तो हमने उनको सोचा प्रमोट करें एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग वेरी वेल. Are you pleased with the start? चार विकेटें जो हैं गिर चुकी हैं ऑलरेडी. क्रिकेट में नथिंग इज़ फाइनल टिल द एंड, और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस किया इन 30 इयर्स ऑफ वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, तो यू कैन नॉट टेल टिल द एंड. अच्छी टीम है कराची, ज़रा से हमारे रन्स अब उनको ज़्यादा लग रहे होंगे, तो आई थिंक दे आर अंडर प्रेशर, बट टिल द एंड कुछ कह नहीं सकते. ओके, कंग्रेचुलेशंस ऑन द विन लास्ट नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर गेम्स. थैंक यू दानव, थैंक यू वेरी मच.